हेलो भाइयों, मेरा नाम है यंशु। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सोन क्रिएटिव। ये मैं आपको वेरिएंट, ये जो इसका वेरिएंट है ये भाई क्रिएटिव वेरिएंट है। चार वेरिएंट आते हैं ये, स्मार्ट, प्योर, फियरलेस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस। बाकी इनके अंदर भी तीन तीन चार चार वेरिएंट और आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब इन्होंने क्या काम कर रखा है, अभी मैं जैसे आपको क्रिएटिव का ही बताऊं तो भाई इन्होंने क्रिएटिव में ये कर रखा है। जैसे इन्होंने मतलब क्रिएटिव में एक तो आपकी सनरूफ दे दी और ये जो ORVM है ये एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल दे दिए। क्रिएटिव प्लस में इन्होंने ये दो चीज कर रखी है और उसका नाम कर दिया इन्होंने क्रिएटिव प्लस। तो भाई आज हमारे सामने ये टाटा नेक्सोन क्रिएटिव वेरिएंट खड़ा है। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कितनी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है, और मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह बताऊं तो भाई इसके कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी ये हुंडई वेन्यू, क्रेटा, ब्रेजा और यही दो चार गाड़ी हैं जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो भाइयों मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को आप स्किप करके मत देखना क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप इसे हाल फिलहाल में लेने के लिए प्लान कर रहे हो। तो मैं भाई शुरुआत करता हूँ ये फ्रंट से। ये टाटा का लोगो, ये भाई आपको पियानो ब्लैक कलर में आपको इसकी फ्रंट की ग्रीन मिल जाती है जिसमें आपको DRL प्लस इंडिकेटर्स, मतलब ये DRL में ही इंडिकेटर्स हैं। नीचे की तरफ देखें तो ये भाई आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो भाई कोई भी फॉग लैंप वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और नीचे आपकी इसकी ग्रिल देखें तो ये भाई ब्लैकआउट है। और नीचे देखें तो इसकी जो स्किड प्लेट है ये भाई व्हाइट कलर की है। अगर साइड प्रोफाइल बताऊं तो सही साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी इतनी शानदार लगती है। और मैं आपको इसका ORVM बताऊं तो भाई ORVM ये टाटा सफारी और हैरियर वाला इसमें ORVM लगाया गया है। बाकी ये भाई ए पिलर इसका ब्लैकआउट, बी और सी भी ब्लैक। बाकी ये भाई साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी रहने वाली है, ये आप देख सकते हो। मैं आपको इसमें अगर टायर साइज बताऊं तो 215/60R16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। बाकी अगर मैं आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस गाड़ी में मिल जाती है 208 mm की। ये देखो भाई क्या मस्त ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अगर मैं भाई इसकी आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताऊं तो भाई 44 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो कि आपको अच्छी सी रेंज दे देती है 550 से 600 किलोमीटर के बीच में। अगर मैं भाई पीछे की तरफ बताऊं तो ये भाई आपका ये शार्क फिन एंटीना इसका ब्लैक मिल जाता है। अगर हम भाई नीचे की तरफ देखें तो आपको इसमें डिफोगर नहीं मिलेगा और वाइपर मिल जाएगा। ये देखो कहाँ छुपा हुआ है, मतलब दूर से तो ऐसे दिखने में दिखता ही नहीं है, आपको दिखेगा नहीं ऐसे। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे कोई नीचे करके देखेगा ना तभी इसका वाइपर दिखेगा। और मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये भाई कनेक्टेड इसकी टेल लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है। मैं एक सेकंड आपको जला के भी दिखाता हूं। ये देखो भाई ये कनेक्टेड टेल लाइट्स हमें पीछे के देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफ़ी शानदार लगती है। यहाँ भाई टाटा का लोगो, उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ भाई कैमरा हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये भाई नेक्सोन की बैजिंग, और पीछे की तरफ हम देखें तो यहाँ हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, रिफ्लेक्टर्स। बाकी ये आपकी भाई इधर आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं। ये आपकी साइड प्रोफाइल भाई पूरी गाड़ी की ऐसी हो गई है। ये देखो, और हाँ मैं आपको इसकी चाबी और दिखा देता हूँ। ये भाई चाबी देखो इसकी कुछ ऐसी सी है, लॉक, अनलॉक, और ये भाई फॉलो मी हेडलैम्प्स। ये देखो भाई जल गए, क्या मस्त लगते हैं। तो भाई इसकी चाबी कुछ ऐसी सी हो गई है। ये पीछे की तरफ टाटा का लोगो, आगे ये इसके कंट्रोल्स। तो भाई आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप अपनी गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। ये देखो चलते हैं भाई डोर ट्रिम की तरफ। तो भाई हमें डोर ट्रिम कुछ ऐसा सा देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाता है। ये आपके पावर विंडोज के कंट्रोल, ये आपका क्रोम का डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, और ये ORVM के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। ORVM भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। जैसे आप बटन वगैरह दबा के अंदर कर देते हो ना, ये सिर्फ एडजस्ट होते हैं, इससे फोल्ड नहीं होते। मतलब फोल्ड का ऑप्शन इस वाले वेरियंट में नहीं है। बाकी आप क्रिएटिव प्लस वगैरह में जाते हो तो उसमें आपको एक तो सनरूफ मिल जाएगी, बाकी ये जो इसके ORVM है ये आपको फोल्डेबल मिल जाएंगे। अगर मैं भाई सीट की बात करूं तो ये भाई सीट हमें 6th मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है जिससे आप अपनी हाइट वगैरह और इंक्लाइन डिक्लाइन ये सारी चीज़ें कर सकते हो। चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर की तरफ, तो मैं अब आपको अंदर से दिखाता हूं गाड़ी अंदर से कैसी है। तो भाई मैंने इसकी चाबी रख दी है। तो ये देखो भाई, ये हमें भाई टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ देखें, एक सेकेंड, इस तरफ देखें तो ये भाई हमें इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरफ देखें तो ये भाई आपको MID के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये भाई हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा सा देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ भाई आपके RPM वाला मीटर, और इस तरफ आपका टेम्परेचर और फ्यूल वाला मीटर,
और ये भाई बीच में हमें छोटी सी MID देखने के लिए मिल जाती है। कलरफुल MID है, बाकी बढ़िया लग रही है देखने में। और इसके कंट्रोल्स वगैरह वो हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इस तरफ देखें तो ये भाई हमें वाइपर्स के कंट्रोल, और इस तरफ देखें तो ये भाई हेडलाइट्स के कंट्रोल। बाकी ये आपको स्टीयरिंग जो है टिल्ट देखने के लिए मिलेगा, टेलीस्कोपिक का फंक्शन इसमें नहीं है। ये देखो, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी आगे पीछे मतलब टेलीस्कोपिक एडजस्ट इसे नहीं कर सकते। यहाँ भाई आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ, 7 इंच की स्क्रीन के साथ इंफोटेनमेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है, JBL बाय हार्मन। और ये मैं आपको बताऊं तो इसकी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, FM, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, इन सब मतलब इसकी जो कनेक्टिविटी है ये हमें ये सारी देखने के लिए मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इन सब की हमें कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। और ये भाई हमें यहाँ पर AC के वेंट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ये मैं आपको बताऊं तो ये भी हमारा सॉफ्ट टच ही है थोड़ा थोड़ा सा। ये भाई हमें यहाँ पर AC के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपका भाई फैन स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो, इससे आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो। ये भाई आपके हजार्ड लैंप्स के वगैरह ये सब टच दिया है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा टच है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने टच कर दिया, तो ये देखो भाई, ये देखो मैं इससे मतलब इससे बूट स्पेस खुल जाएगा, इससे गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाएगी। बाकी ये आपके जितने भी फंक्शन है ये सबके सब टच हैं। और इसके जो मैं आपको ये बताऊं मतलब कितना टेम्परेचर है, कितनी फैन स्पीड है, वो सब भाई हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। ये देखो भाई, ये मतलब आप एक तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो, इसे आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो इसका जो टेम्परेचर वगैरह। ये देखो भाई, ये भाई हमें 6 गियरों के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये हमारी गाड़ी आती है। पीछे की तरफ देखें, ये भाई हमें हैंड ब्रेक यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ये भाई आपको ग्लास होल्डर्स यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसमें 3 मोड आते हैं, ये आपका सिटी, ये इको और ये स्पोर्ट। आपको मतलब हाईवे वगैरह पर जाना है और इसकी पावर का मजा लेना है तो आप स्पोर्ट मोड में लगा के आप अपना खूब भगा सकते हो, इस गाड़ी को मजा आ जाएगा। और पीछे की तरफ देखें तो भाई इस वाले वेरिएंट में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ भाई आपको फियरलेस में, जो कि इसका टॉप मॉडल है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ही आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और किसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये भाई आपको IRVM इसका डे नाइट एडजस्टेबल, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। इस तरफ देखें तो ये भाई अंदर कैबिन लाइट हमें LED दी गई है। और ये भाई पैसेंजर एयरबैग की इंफॉर्मेशन हमें बता देता है कि पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है। और उसका जो स्विच है वो उस तरफ दिया गया है, उस तरफ दिया गया है। बाकी आपको ये डैशबोर्ड वगैरह की लुक मैं आपको दिखाऊं तो ये भाई डैशबोर्ड हमें डुअल टोन में देखने के लिए मिल जाता है। आपका ये ब्लैक और ये थोड़ा सा बीच कलर आ जाता है। और ये आपको मैं डोर ट्रिम बताऊं तो ये भाई ये आपको ट्रिपल टोन देखने के लिए मिलता है। ये भाई आपका ब्लैक और ये बीच कलर और ये व्हाइट कलर। और जो मैं आपको हाँ एक चीज और बताता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास व्हाइट कलर है, ये हमारे पास व्हाइट कलर है, तो इसके अंदर जो ये मतलब थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक वो व्हाइट जो इसका मतलब गाड़ी का जो कलर है उसकी टच दे दी गई है अंदर गाड़ी में। जैसे तो जो भाई इसका बॉडी कलर है ना वो ही आपको अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, वो वाला कलर। मतलब थोड़ी थोड़ी सी आपको पता लग जाएगी अंदर से भी हम कौन सी गाड़ी में भाई बैठे हैं, मतलब कौन से कलर की गाड़ी में बैठे हैं। चलते हैं भाई पीछे की तरफ, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ अब इसका जो कंफर्ट वगैरह है, सीटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा है। हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये भाई आपको यहाँ पर इसके डोर में आपको बोतल होल्डर प्लस अम्ब्रेला होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखो भाई, ये अपनी 25 सालों में 50 लाख गाड़ी बेच चुके हैं टाटा वाले। चलते हैं भाई पीछे की तरफ, मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई पीछे की तरफ हम बैठते हैं तो जैसे कि मेरी हाइट मैं आपको बताऊं तो मेरी हाइट 5'5" के आसपास है और ये जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। और ये आप देख सकते हो भाई ये कितना स्पेस है, ये देखो भाई मतलब आराम से मैं बैठा हूँ। कंफर्ट के मामले में तो काफी जो इसकी सीट वगैरह है कंफर्टेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ। ये देखो भाई लेग स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक बार हेडरूम और दिखा देता हूँ गाड़ी का। ये देखो भाई हेडरूम भी हमें अच्छा खासा हमें इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये भाई ग्रैब हैंडल्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं तो भाई आपको टाटा की गाड़ी में इस चीज की कमी नहीं मिलेगी, ये आपको हुक जो है ना ये हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भाई यहाँ इन्होंने हर ग्रैब हैंडल में हुक दे रखा है। और एक चीज और दिखाऊं, यहाँ भी दे रखा है, खोलियो जरा इसे, ये देखो भाई हुक की तो कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। ये देखो हुक ही हुक भरे पड़े हैं। बाकी आपको मैं पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ हमें AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह का ऑप्शन हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। और इस गाड़ी में ना भाई 6 एयरबैग आते हैं, ये देखो एयरबैग एयरबैग और एक आपका बोरा एयरबैग। देखो भाई मैं अभी हुक की बात कर रखा था, हुक की बात कर रहा था, एक तो येरा हुक एक येरा हुक आगे मैंने आपको दिखाई दिया है, मतलब हुक की तो कहीं कमी नहीं है इस गाड़ी में। ये देखो भाई
मैं आपको इसका एक बार बूट स्पेस और चेक करवा देता हूँ। बूट स्पेस ये देखो भाई कितना सारा सामान रखा है भाई। आपको इसमें बूट स्पेस 382 लीटर का आपको बूट स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। ये देखो भाई कितना सारा सामान है। तो भाई पहले वाली नेक्सॉन थी उसमें हमें 360 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, इन्होंने 20-22 लीटर और बढ़ा दिया है। ये देखो भाई हमें यहाँ पीछे देखें तो यहाँ हमें पीछे डिग्गी लैंप का भी ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये देखो भाई डिग्गी में भी चार चार हुक हैं, 1 2 3 4 हुक हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई इसमें जो हमें स्टेपनी देखने के लिए मिल जाती है वो आपका नॉर्मल स्टील रिम देखने के लिए मिल जाता है। और टायर साइज भाई हमें इसमें कम देखने के लिए नहीं मिलता, जो इसका नॉर्मल टायर है मतलब 16 इंचेस के हमें यहाँ अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं, तो 16 इंचेस का ही हमें स्पेयर टायर देखने के लिए मिलता है। ये भाई आप इसे ग्रैब करके आप अपनी डिग्गी को नीचे बंद कर सकते हैं। ये भाई इसमें हमें यहाँ पार्सल ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। बाकी मैं इसे बंद करता हूँ और इसकी हाइट लेंथ विड्थ और इंजन वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ। भाई ये जो हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन, ये भाई पेट्रोल में है। आपको इसमें पेट्रोल डीजल ईवी ये तीनों चीज़ों में आती है ये हमारी जो गाड़ी आती है। और मैं आपको इसकी अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो ये भाई हमें इसमें 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड रिवोट्रॉन इंजन मिल जाता है जो कि 1200 सीसी का है। और भाई मैं आपको इसकी पावर बताऊं तो 118 bhp की पावर और 170 nm का टॉर्क हमें देखने के लिए मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये हमें गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। और मैं भाई आपको इसकी डाइमेंशंस वगैरह बताऊं तो ये भाई हमें लेंथ जो कि ऐसे ऐसे है लेंथ हमें देखने के लिए मिल जाती है 3995 mm की। और विड्थ इसकी चौड़ाई, इसकी भाई चौड़ाई हमें देखने के लिए मिल जाती है 1804 mm की। और भाई ये हाइट, हाइट मैं आपको इसकी बताऊं तो हाइट हमें 1620 mm की देखने के लिए मिल जाती है। तो बाकी भाइयों यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।